हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीतूज किचन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत इजी तरीके से घर पर काले अंगूरों को बिना किसी केमिकल के सेव करने का आसान तरीका। जी हाँ, ये ट्रिक बहुत ही काम की है और इस टाइम काले अंगूर बहुत सस्ते भी मिल रहे हैं, तो आप अपने घर पर इन्हें बहुत आसानी से सालों साल के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। और बाजार में मिलने वाला 1000 रुपीज़ किलो वाला जो ड्राई फ्रूट्स है उसे घर में बनाना सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने पूरा आधा किलो काला वाला अंगूर लिया है और ये आप देख सकते हो कितना मोटा मोटा बढ़िया अंगूर है और इस टाइम मार्केट में बहुत ही सस्ते में मिल रहा है। तो क्यों ना हम इसे घर पर स्टोर कर लें, और इससे बनी हुई बहुत ही एक ऐसी ड्राई फ्रूट की रेसिपी मैं आपको सिखाने वाली हूँ जो कि बहुत काम की है और जल्दी से मिलती भी नहीं है। तो यहाँ पर इन सारे काले अंगूरों को मैंने डंठल से अलग कर लिया और इस तरीके से पानी से बहुत अच्छे से वॉश किया है। ये बात ध्यान रखनी है कि आपको अंगूरों को अच्छे से धो लेना है, क्योंकि इसके ऊपर कई बार केमिकल वगैरह भी लगा होता है, गंदगी भी होती है, तो धो लेने से ये साफ़ हो जाएगी। और 3 से 4 बार अच्छे से इसे धो लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है एक इडली का स्टैंड। अगर इडली स्टैंड नहीं है तो आप यहाँ पर कोई भी भगोना ले लें और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर ऊपर एक छन्नी रख के उसे प्लेट से ढक कर कवर कर ले, यानी आपको एक स्टीमर तैयार करना है। लेकिन यहाँ सबसे अच्छा और बेस्ट ऑप्शन है कि अगर इडली स्टैंड है तो वहाँ बहुत ही काम आसानी से हो जाएगा। तो आपको यहाँ इडली के स्टैंड में इस तरीके से ये धुले हुए अंगूरों को रख लेना है। और देखिए, बहुत ही बिना मेहनत के हम बनाने वाले हैं, बिना केमिकल के, बिना किसी और चीज़ ऐड किए। आप खुद भी यकीन नहीं करेंगे कि हमने घर पे ऐसी बहुत ही बढ़िया महंगी वाली ड्राई फ्रूट बनाकर तैयार की है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको मेरा तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एंड में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ इसी तरीके से मैं तीनों खाँचों में थोड़े थोड़े ग्रेप्स को रख लेती हूँ। और देख रहे हैं ना आप, बहुत ज़्यादा एक बार में भरना नहीं है, जितना आसानी से आ पाए उतना ही इसमें डाल दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सबको तैयार कर लेने के बाद मैंने तीनों खाँचों के अंदर, यानी तीनों मोल्ड के अंदर इस तरीके से अंगूर के दाने रख लिए। और तब तक हमारा जो पानी था वो भी बॉयल हो गया है। तो बस फटाफट आपको क्या करना है, आपको ये जो इडली के स्टैंड है इन्हें इसमें सेट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, मैं प्लेट जैसे भी इनके साइज़ हैं उसके अकॉर्डिंग लगा लेती हूँ। तो मेरी तो काफ़ी, एक बार में काफ़ी सारी जो अंगूर है वो इसमें आ जाएंगे। तो अगर आपके पास भगोना है जिस पे आपने स्ट्रेनर पे रखा है तो आप क्या करें, उसी पानी का बार बार यूज़ कर सकते हैं। बस अभी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक आगे बता देती हूँ। तो आप ढक्कन लगाकर आपको इसे 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाना है। तो देखिए, 7 मिनट हो गए हैं, मैंने ढक्कन हटा लेती हूँ। देख रहे हो आप कि अंगूर कितने मोटे मोटे फूल चुके हैं। जी हाँ, इन्हें आपको भाप में पकाना है। और सेम काम जो आपने भगोने के ऊपर छन्नी रखी है ना, उन वाले अंगूर के साथ भी कर लेना है। जैसे उनमें भाप लग जाए और वो फूल जाए तो आपको निकाल लेना है। और ध्यान रखना है कि दोबारा उसी छन्नी के ऊपर आपको फिर से जो नए अंगूर हैं जो बिना भाप लगाए वाले हैं वो रखकर फिर से स्टीम करना है। तो सेम प्रोसेस रिपीट करके आप यहाँ पर काफ़ी सारे अंगूरों को इस तरीके से उबाल सकते हैं। जी हाँ, वो वाला टेक्निक नहीं यूज़ कर रहे हैं हम जिसमें हम पानी में डालकर उबालते थे। हम यहाँ पर बिना किसी विटामिन को लॉस कर रहे हुए, बिना किसी विटामिन खोए हुए अंगूरों को प्रिजर्व कर रहे हैं। और इस तरीके से कोई भी कपड़ा ले लीजिए, कोई भी साफ़ सुथरा धुला कपड़ा लेके बिछा लीजिए, और धूप में आप डायरेक्ट अगर सुखा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं इसे। अगर आपकी बालकनी में हल्की बहुत धूप आती है तो वहाँ पर रख के सुखाइए, और भी बढ़िया, जल्दी आपकी ये जो ब्लैक रेजिन्स है ना वो रेडी होंगी। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं बहुत महंगी मिलने वाली ब्लैक रेजिन्स, जिसे हम ड्राई फ्रूट्स के तौर पर यूज़ करते हैं। और ये वाली जो रेजिन्स है ना, जनरली काफ़ी कॉस्टली होती है नॉर्मल वाली रेजिन्स से। तो क्यों ना हम इन्हें घर पे बना लें, जब अंगूर भी इतने सस्ते आ रहे हैं और मेहनत भी कुछ नहीं है और बिना केमिकल के ही बन जाते हैं। तो इस तरीके से आपको घर में ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और इस रेसिपी को ट्राई करके आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी ब्लैक रेजिन्स कैसी बनी है। तो
तो ये जितने भी मोल्ड में मैंने अंगूरों को स्टीम दिया था ना, उन्हें सबको मैंने कपड़े पे अच्छे से फैला दिया है। अब यहाँ पर देखिए, फैला लेने के बाद फिर से बचे हुए अंगूरों को भी इसी तरीके से मैं स्टीम दूंगी, और इन्हें सुखाने के लिए मुझे धूप में रखना होगा, और अगर धूप नहीं है तो छांव में तो काफ़ी ज़्यादा दिन लग जाएंगे, लगभग 5-6 दिन से भी ज़्यादा। अगर धूप में सुखाओगे तो 3 दिन में ही आपकी किशमिश तैयार हो जाएगी। 3 दिन आप इसे धूप में अच्छे से रखें और धीरे धीरे आप देखेंगे कि किशमिश यानी अंगूर हमारे सूखते जा रहे हैं और बस हमारी किशमिश तैयार हो जाएगी। तो ये जो ब्लैक रीजन्स है ना, गजब तरीका इन्हें बनाने का। और सबसे कमाल की बात है दोस्तों कि बिना मेहनत के बन जाती हैं झटपट, और 10 मिनट आपको इस प्रोसेस में लगते हैं बस, और आपकी किशमिश बिल्कुल तैयार हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ अपना काम धूप करने वाली है, आपको कुछ नहीं करना है। और ये देखिए, हमने सारी किशमिश को इस तरीके से कपड़े पे डाल दिया है, कितनी सारी ढेर सारी किशमिश मैंने यहाँ पर स्टीम करके बिछा ली है। तो बस अब मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखा देती हूँ कि मेरी किशमिश कैसी बनी है। तो ये देखिए, यहाँ पर ढेर सारी ब्लैक रेजिन्स बनकर तैयार हैं, यानी काली वाली किशमिश, और ये बहुत परफेक्ट बनी है। अब इन्हें मैं सालों साल स्टोर करके रख सकती हूँ। आप इन्हें फ्रिज में रखिए, बाहर रखिए, जैसे मर्जी रखिए, काफ़ी दिन तक चलने वाली है, ख़राब नहीं होंगी, और बहुत ही सस्ते में ये बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए, इसी बात पे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो है ना मज़ेदार, बहुत ही आसान रेसिपी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये तरीका पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, बाय।